अस्सलाम वालेकुम। और क्या यार पोलार्ड भाई, इतना इजी जीतने का मैच हार गया रहे तुम लोग। सब जने जो है मुंबई मान लेती होंगी समझे आज का मैच, मगर जो छिछी कर दिए तुम लोग ग्राउंड के अंदर अच्छा नहीं दिखा। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अरे देखो मियां, मैच है, हार जीत तो क्या है, लगे भी रहती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पर से जो है हमारी मैडम भी नहीं आई आज, नहीं तो हारने के सिचुएशन में मैडम जो है बैग खोल के चिट्ठी में से जो मंत्रा पढ़ते थे मैच हम लोगों के कब्जे में वापस आ जाता था। अब उन्होंने नहीं रहने की वजह से प्रॉब्लम हो गई, ऊपर से हमारे बैट्समैन भी जो है थोड़ा बहुत अच्छा नहीं खेले। अरे बड़े भाई, थोड़ा बहुत ने आखिरी चिंदी खेले तुम्हारे बैट्समैन, रोहित शर्मा रहता तो भी संभाल लेता था, कई की इंजुरी तो भी हो गई उसको बैगन। अरे नहीं यार, रोहित शर्मा अपना गम में था पट्टा थोड़े दिनों से, वो क्या है इंडियन टीम में जरा गिच्चाचर्य कहते ना, विराट कोहली बोला कहते रोहित शर्मा की उम्र बड़ी है, दूसरे को कैप्टन बनाओ ये T20 वर्ल्ड कप के बाद, बोले तो जरा उन्हें दिल पे ले लिया वो बात को। तो क्या है, दो बड़े पो के साथ एक चपटी मारा, चढ़ रहा था सीढ़ियां फिसल के गिर गया, थोड़े बहुत लाइट मारा लग गए उसको, मगर अब रिकवर हो गया उन्हें। अगले मैच में आ जाता पट्टा अपना कैसा देता देखो, खाली उड़ा उड़ा के सबके जो है ना छल्ले जाम कर देने वाला है अपना पट्टा आके। अरे देखो बड़े भाई, रोहित शर्मा डिप्रेस है तो हमारे वीडियोस देखो, हैदराबादी उमर के थोड़ा खुश होता, चेहरे पे बहाली आती पट्टे के, समझे दुख दर्दां भूल जाता। और रही बात आज धोनी नहीं चला, इसके लिए 150 मारे, धोनी ठहरता तो ठहर के सेंचुरी मार देता था। अरे देखो बड़े भाई, मैं दिखाने का क्या है उसको तुम्हारे वीडियोस, उन्हें खुद जो है ना तुम्हारे नए वीडियोस आए तो जो है लिंक फॉरवर्ड करते रहता, देखो पोलार्ड भाई जबरदस्त वीडियो डाला है इन्हें बोल के। और रही बात धोनी के सेंचुरी की, तो मैं बोला धोनी को भी क्या यार तुम मैचों में मार रहे नहीं, तुम्हारे प्लेयरान जो है इंतजार कर रहे, तुम्हारे फैंस जो भी है कब मारते धोनी सेंचुरी मैच में बोल के। तो धोनी बोल रहा अरे नहीं बड़े भाई, मैं क्या कर रहा हूँ हमारे फैंस को प्रैक्टिस करते हुए मैं बुला ले रहा हूँ सबको, बुला के पट्टों को जो है हमारे बॉलरों को धो के छक्के के मार के नेट में जो है ना जबरदस्त खुश कर दे के भिजा दे रहा हूँ उसको, इसलिए क्या है ग्राउंड में अपन 0 पे आउट हो गए तो भी फर्क नहीं पड़ रहा। वाकई जी भैया, पट्टा जो है ना सही दिमाग से खेलता, मगर लोग क्या है बोले तो आज पोलार्ड जो है ना लाइट लेके चेस कर लेता, पट्टा मार लेता स्कोर बोल के बोले, मगर जो तुम खेले हैं आज बहुत अफसोस हुआ मैं ऐसा देख के हमको। अरे नहीं यार बड़े भाई, दुनिया की मेहनत करा, दुनिया की प्रैक्टिस करा, मैं जो है ना डेली सुबह नहार पे उठ के ग्राउंड में आके प्रैक्टिस कर रहा था मैं अच्छा बॉल कनेक्ट होना बोल के, और बॉल कनेक्ट भी हो रहा था, मगर मेन मैच के दिन जो है ना CSK वालों को कौन के आके बोला कहते ये मैसेज 11 जनों को फॉरवर्ड करो जो है ना पोलार्ड की बैटिंग नहीं चलती बोल के बोला कहते, उन लोग क्या करे दूसरों को किसको फॉरवर्ड करना रे भाई बोल के जो है ना अपने 11 लोगों को फॉरवर्ड कर लिए कहते टीम के, तो उन लोग ऐसा करके अपने को बैगन में मिला दिया, सही भी बदवा लगी यारो। अरे यारो बड़े भाई, तुम इतने बड़े रह के भी ऐसे काम यकीन करते यार हो तुम, ये बातों पर ये सब अंधविश्वास के बात है, कौन बोला 11 जनों को फॉरवर्ड करे तो ऐसा होता ऐसा होता, सब फेक है ये। अरे यार पहले मैं भी यकीन नहीं करता था ये सब बातों पे, फिर मेरे को एक दिन एक कॉल आया, उन्हें क्या बोला वो तो भाई आपके फोन पे जो लास्ट रिसेंट मैसेज आया ना, अगर वो 11 जनों को शेयर करे तो खुशखबरी मिलती, अगर नहीं करेंगे तो दुख की खबर मिलती बोला। मैं बोला उसको ये सब अंधविश्वास है रे भाई, अपन नहीं मानते ये सब, वो तो ठीक है भाई मेरे को अकेले को शेयर करो, बाकी के 10 जनों को नको शेयर करो, तुम देखो कैसा दुख की खबर मिलती बोला। बोला कुछ भी नहीं होता बैगन बोल के अपन मैसेज शेयर करे उसको, तो उतनी थोड़ी देर में क्या हुआ मेरा बैंक अकाउंट पूरा खाली हो गया। तो जब से मेरे को जो है ना दिमाग में बैठ गया कि ये सब चीजें जो है ना है रहते अपन अंधविश्वास नहीं समझना। अरे यारो पोलार्ड भाई, तुम्हारे उतना दीवाना आदमी मेरी लाइफ में नहीं देखा मैं। अरे यारो फ्रॉड कॉल था यार, OTP का मैसेज फॉरवर्ड कर दिए शायद, इसलिए तुम्हारा बैंक अकाउंट खाली होगा, जर्री अक्ल नहीं यार तुमको, ये सब फ्रॉड बहुत चल रहे, जरा एहतियात करते रहना, तुमको नहीं मालूम है। अरे वाकई में सही बात बोले यार तुम, जरा दिमाग में नहीं आया मेरे, मैं भी हौलापना कर दिया। खैर जाने दो, ज्यादा पैसे भी नहीं थे, 400-500 रुपए थे उसमें, वो भी जो है सिलेंडर खरीदे से सब्सिडी के ऐसे पैसे थे उसमें, लाइट है मसला, मगर तुम लोग अगर एहतियात करो, मैसेज आए तो नंबर उठा के नक्को बोल दो, खाली पीली के जो है बैगन में मिल जाएंगे, कमाई सो कमाई पूरी डन हो जाती तुम लोगों की, समझे। अरे पहले तुम एहतियात करो यार, चलो।